हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। इसका कारण ये है कि ये वाला वीडियो मेरा 2 महीने से बना हुआ रखा है, लेकिन कभी मुझे लगता है कि मैं इसका टाइटल दे दूँ वेडिंग गेस्ट लुक, कभी मुझे लगता है मैं इसका टाइटल दे दूँ विंटर वेडिंग गेस्ट लुक, कभी मुझे लगता कि मैं इसका टाइटल दे दूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। एक्चुअली ना अभी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच जो है ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा तरीका है ये जो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाला है। एक बहुत ही कम बजट के अंदर, बहुत ही लो बजट के अंदर आप अपना मन पसंद आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो के अंदर 3 अलग अलग आपको लुक्स दिखाऊं, 3 अलग अलग आउटफिट दिखाऊं जो मैंने स्क्रैच से DIY करवाए हैं, बनाए हैं। ये ऐसा कुछ बहुत नया कंसेप्ट नहीं है। अच्छी बात यह है कि आजकल लोगों को इसकी रेलेवेंस समझ में आ गई है, लोगों ने इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है। बड़ी ऐसा बहुत नया तो नहीं है, हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, मम्मी थान में से इकट्ठा पटियाला सूट के लिए कपड़े निकलवाती थी 5-5.5 मीटर और हम लोगों का पटियाला सूट बनवा दिया करती थी। ये तब से चला आ रहा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने इससे पहले भी कई सारी साड़ियाँ जो हैं DIY करवाई हैं। अगर आपको याद हो मैंने अपनी सिस्टर की शादी में जो साड़ी पहनी थी वो भी मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच थी। अगर आपको याद हो मैंने एक लुक किया था ब्लू कलर की साड़ी में, वो भी मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच थी। अगर आपको याद हो मेरी एक रेड कलर की नेट की साड़ी है, शायद मैंने उसमें भी कोई लुक किया था, वो भी मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच थी। आज मैं आपके लिए 3 अलग अलग लुक्स लेके आई हूँ। स्टार्ट करती हूँ अपने साड़ी वाले लुक से, बिकॉज साड़ी इज़ माई फेवरेट। और अगर आप देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर काफ़ी लंबे टाइम से, तो 100% साड़ी आपकी भी फेवरेट होगी। तो चलिए साड़ी वाले लुक से स्टार्ट करते हैं। वाले लुक में मैंने इस वेलवेट की साड़ी को स्क्रैच से क्रिएट करवाया था। कुछ नहीं करा था, फैब्रिक शॉप पे गई थी, वेलवेट का कपड़ा मुझे पसंद आ गया था। एंड इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बॉर्डर वाला वेलवेट का कपड़ा सिलेक्ट करूं अपने लिए। सिंपल से इसको पीको करवा लिया, फॉल करवा लिया। अगर मैं चाहती तो जो इसका पल्लू है, जो ये वाला पल्लू है इसका, मैं इसके ऊपर किसी तरह के लेस अटैच करवा सकती थी मैंने, बट वो नहीं करवाया। बस ऐसे ही नहीं करवाया, मुझे लगा कि बस इतने में ही काफ़ी हो जाएगा। तो बस ये मेरा डिज़ाइनर सा आउटफिट तैयार हो गया। सिर्फ इसमें तो मैंने लिटरली कुछ मेहनत नहीं करी है। फैब्रिक इतना रिच है, कलर इतना प्यारा है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अगर आप प्लेन अगर कुछ लेते हैं उसके साथ आप क्या करते हैं, उसके लिए भी दिखाती हूँ। तो फर्स्ट वाला लुक मैंने इस साड़ी के साथ किया है। इस लुक में मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैंने इस वाले लुक में ये कोरसेट पहना, कोरसेट के साथ में मैंने साड़ी पहनी थी ये वाली। गले में मैंने, मुझे ऐसा लगा कि जब हम लोग इतनी रिच साड़ी पहनते हैं, जब वेलवेट पहन रहे हैं हम लोग, सिल्क पहन रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि ज्वेलरी के लिए क्यों ना मैं पर्ल ट्राई करूं, बिकॉज वेलवेट काफी रिच फैब्रिक होता है अपने आप में और इतना प्यारा लगता है, इतना हाई क्लास वाला अपीयरेंस देता है, तो इसके संग पर्ल जो है सबसे बेस्ट जाएंगे। तो मैंने इसके संग पर्ल का नेकलेस ट्राई किया। और हेयर स्टाइल मेरी हमेशा की तरह, मुझे जब कुछ भी समझ में नहीं आती है तो ये मेरी हमेशा वाली, ये गो टू वाली जो मेरी होती है ना, जो परमानेंट हेयर स्टाइल, वो मेरी बस यही हो जाती है फाइनली, कि मैं इसी तरह से बालों को पिनअप करके चली जाती हूँ। इसे मैंने साथ में ये वेलवेट की शॉल ली थी। इस वेलवेट की शॉल की कहानी भी मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। इस तरह से मैंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सिंपल सा, डिसेंट सा। और 1000 रुपीज़ के अंदर, कॉस्ट की अगर बात करूँ तो 1000 रुपीज़ के अंदर मेरा ये फुल लुक कंप्लीट भी हो गया था। तो बताइए और क्या ही चाहिए, इतने कम बजट में और हमें इतना एक्सपेंसिव लुक मिल रहा है। अच्छा इस शॉल को मैंने जिस तरह से डाल के दिखाया, मैंने इस बारे में आपको इससे पहले भी एक वीडियो दिखा चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो था। आई थिंक मैं तो अपनी तरफ से ऐसे ही सोच के बनाती हूँ तो आपकी हेल्प होगी। अच्छा तो ये लुक मैंने इस तरह से कंप्लीट किया था। अब बात करती हूँ इसके साथ डाली हुई शॉल की। ये शॉल भी मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली DIY वाली शॉल है। तो मैंने ये वेलवेट का सिंपल सा फैब्रिक, प्लेन फैब्रिक लेके, शायद ये 80 रुपये मीटर आया था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आया था, या शायद और कमी आया होगा, हाँ इतने का आया था। और साथ में मैंने ये वाली लेस लगवाई थी इसके अंदर, ये पतली सी लेस लगवाई थी मैंने। इसका रीज़न ये है, अभी मैं 2 साल से इस वाली शॉल को डाल रही हूँ, शायद मैं अगले साल और डाल लूँगी, 1 साल और डाल लूँगी इसके बाद, क्योंकि अगर मैं बार बार इसी वाली शॉल को डालूंगी तो इसका जो लुक है वो एक टाइम के बाद, लाइक 4 या 5 ईयर के बाद, वो कॉमन टाइप का लगने लग जाएगा। तो मैंने फिलहाल इस पर पतली वाली लेस लगवाई थी। अब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में क्या करूँगी, इस लेस के साथ एक और लेस अटैच करवा सकती हूँ, या फिर ये लेस मैंने काफ़ी सस्ती ली थी, शायद मैंने ये 5 रुपये या 7 रुपये मीटर ही ली थी, बहुत सस्ती ली थी। तो मैं क्या करूँगी, इसे हटवा कर थोड़ी सी ब्रॉड लेस लगवा लूँगी। अच्छा इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका जो है पूरा लुक चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है, या फिर जो DIY साड़ी या शॉल या सूट वाला कंसेप्ट है,
ये इसीलिए इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है इन दिनों, बिकॉज ये काफ़ी अफोर्डेबल है। देखिए अब हर कोई वो अमेजन की या मिंत्रा की वो महंगी महंगी वाली शॉल, बेलवेट की शॉल, बेलवेट की स्टॉल तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम जैसे आम लोग जो हैं वो क्या करें, और सबसे मेन बात ये है हम अफोर्ड कर लेंगे, हम एक बार ले लेंगे, लेकिन हम खुद ही उसको दो बार, दो साल, तीन साल पहन के बोर हो जाएंगे और फिर हम वापस से उतने ही पैसे बिगाड़ें, और शायद वो ऑनलाइन 1500 से 2000 के बीच में आती है, जबकि हमने ऑफलाइन में ये 500 से 700 या और कम में ही पड़ जाती है। आपके साथ ये सब शेयर करने का मेरा बस यही मोटिव है कि आप भी ऐसा कुछ ट्राई करें, काफ़ी अफोर्डेबल रहता है, डिज़ाइनर रहता है, यूनिक रहता है, सबसे अलग लगता है आपका। ऑनलाइन जब हम साड़ी लेते हैं, जब हम लोग कुछ ऐसा इस तरह की कोई भी आउटफिट लेते हैं, तो क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो आपको हर दूसरे, तीसरे, चौथे के पास मिल जाएगी, और स्पेशली अगर आप अफोर्डेबल रेंज में ले रहे हो, लाइक आप 500-600 में कुछ ले रहे हो, तब तो पक्का वो हर चौथे पाँचवें के पास मिल ही जाती है। तो ट्राई कीजिए कि कुछ ऑफलाइन जाइए, थोड़ा सा माथा पच्ची वाला काम है कि हमें निकलना पड़ेगा घर से, हमें फैब्रिक की शॉप पे जाना पड़ेगा, हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी एक बार बन के आता है तो दिल से बहुत खुशी होती है कि वाह ये हमारी मेहनत है। चलिए अब इसके बाद बात करती हूँ मैं अपने थर्ड लुक की। थर्ड लुक के लिए मैंने ये DIY श्रग कह लीजिए, जैकेट कह लीजिए, ये बनवाई थी, इतनी लंबी कि मैं आपको इस तरीके से क्या ही दिखा पाऊंगी। मैं इसका लुक या ट्राई ऑन साथ में लगाती जाऊंगी, अब वो देखिएगा। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया था शायद 3 मीटर, फुल स्लीव्स बनवाई थी मैंने, बिकॉज विंटर के लिए है तो फुल स्लीव्स बनवाना तो बनता है। कपड़ा शायद 100 या 120 रुपीज़ मीटर आया था। साथ में मैंने इसमें ही कॉलर बनवाए थे, डबल कॉलर जो कोट कॉलर आते हैं, मैंने ये उस तरीके से स्टिच करवाई थी। और ये जो कॉलर है ये इसके लिए मैंने अलग से साटन का फैब्रिक लिया था, शायद 1/2 मीटर लिया था कॉलर के लिए, और बस सिंपल सी बनवाई थी। इतना प्यारा लुक आता है आपकी सिंपल सी प्लेन साड़ी का, ये पूरा लुक चेंज कर देता है। ये जो कोरसेट मैंने अभी इससे पहले वेलवेट साड़ी के साथ पहना था, यही वापस से मैंने साटिन साड़ी के साथ पहना, साथ में मैंने ये श्रग ले ली, और क्या धमाकेदार लुक लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सा, सोवर सा, क्योंकि मैंने श्रग ले रखी है, फुल श्रग है, फुल स्लीव्स है, क्योंकि आउटफिट जब अच्छा होता है तो उसका बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेयर स्टाइल को, अपने हेयर्स को बिल्कुल काबू में रखें। तो मैंने अपने हेयर को एक हाई पोनी के अंदर बिल्कुल बांध के रखा था। ईयर रिंग, क्योंकि हम लोग ने इतना अच्छा आउटफिट पहन रखा है, ईयर रिंग ना पहने तो भी वो अलग लगेगा, और पहनेंगे तो भी कुछ ऐसा पहनना है कि सिंपल और यूनिक लगे। तो जब मैं ऐसा कुछ पहनती हूँ, जब मैं कुछ डिज़ाइनर पहनती हूँ, जब मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, तब मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं ईयर कफ्स पहनूँ। ईयर कफ्स पहले काफ़ी चलते थे और अभी इसका वापस से ट्रेंड आने लग गया है। आप ईयर कफ्स ट्राई कीजिए, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। एक या दो ईयर कफ्स अपने पास रखिए, एक सिल्वर में, गोल्डन में, वो आपके हर आउटफिट के संग जाएंगे और बिल्कुल डिफरेंट आपका जो लुक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट कर देंगे। तो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड लुक में जो मेरी मैरून कलर की साड़ी थी, साटन की साड़ी, ये भी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच थी। ये जो साड़ियाँ हैं ये हमें ऑनलाइन 300-350 ब्लाउज सहित आराम से मिल जाती हैं। स्टिल मैं आपसे कहूँगी हम दुकान पे, फैब्रिक की शॉप पे जाइए, जो मिक्स एंड मैच वाली शॉप आती हैं, जो मैचिंग सेंटर आते हैं, और वहाँ से अपनी मनपसंद कुछ साटन का कपड़ा लेके उसे अपने अकॉर्डिंग बनवाइए। चाहे तो उसके जो पल्लू वाला पार्ट है उस पर आप लेस लगवा सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं, और सच में वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन जो फैब्रिक आता है उसका भरोसा नहीं होता। कभी वो साटन दे देते हैं, कभी वो पता नहीं अजीब सा वो चिकना सा कपड़ा दे देते हैं, पता नहीं वो क्या ही कहते हैं उसको। वो इससे बढ़िया है हम खुद देख के अपनी आंखों से, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा सा आउटफिट हमारा तैयार होगा थोड़ी सी अगर हमने मेहनत कर ली तो। चलिए तो फर्स्ट लुक हो गया, सेकंड लुक हो गया, थर्ड लुक हो गया, सेकंड लुक से ही मिला हुआ थर्ड लुक हो गया। तो अब इन जो फर्स्ट में और थर्ड में या सेकंड में मैंने कोरसेट पहन रखा है, थोड़ी सी बात इसकी भी कर ली जाए। देखिए वैसे तो मैं जिस घर से आती हूँ, पर्सनली बताऊँ आपको तो मैं हमारे यहाँ पे मैं इस तरह के ड्रेस या इस तरह के ब्लाउज़ पहन के जनरली बाहर नहीं जाती हूँ, या ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ इतना अलाउड नहीं है कि मैं इस तरह से जा सकूँ। लेकिन मेरा काफ़ी लंबे टाइम से मन था कि मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँ, तो मैंने, और क्योंकि हम लोग इसको ऑनलाइन अगर लेते तो ये बहुत ही महंगा, मैंने 2-3 बार ज़ारा पे देखा था, H&M पे देखा था, इतना महंगा था कि मेरी लेने की ही हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब 3000 या फिर 4000 या फिर ऐसा 3200 ऐसा कुछ था वो, और इतना महंगा, या मुझे लगा कि मैं क्या ही लेके करूँगी, बिकॉज पहन पाना नहीं है ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, ब्रोकेट का कपड़ा लिया और इसको अपनी टेलरनी को कहा कि तुम कच्चा पक्का तुम्हें जैसा भी बने, मैंने बता दिया मुझे इस तरीके का चाहिए है, तुम ब्लाउज नहीं बना पाओ ट्यूब बना दो, लेकिन गले का शेप इस तरह का कर दो और बना के तैयार कर दो। और उन्होंने तैयार कर दिया और बस ठीक है, अब मेरा शौक तो पूरा हो जाता है। मुझे वो एक्सपेंसिव वाले कोरसेट जो मेरे बजट में नहीं थे और जो मैं ज़्यादा पहन भी नहीं पाती, उसकी जगह पे मुझे लगता है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में और बिल्कुल न्यू एक मेरे लिए तैयार हो गया है। अब इसको मैं जैकेट के साथ पहन लेती हूँ।
अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो जैकेट के साथ पहना है तो फिर इसका फायदा ही क्या हुआ। आपने देखा होगा जब जैकेट के साथ पहना है तो इसका जो नेक है वो अलग ही दिख रहा है। लाइक अगर मैं इसकी जगह कोई ब्लाउज पहनती कुछ और पहनती वो इतने अच्छे से नहीं दिखता जितना ये जैकेट के साथ कॉर्सेट दिख रहा है। आपने देखा होगा वो जो मैंने वेलवेट की साड़ी के साथ पहना है साथ में मैंने स्टॉल डाल ली है ताकि वो आगे और पीछे से मैं पूरी कवर रहूं, लेकिन उसका नेक जो है वो अलग ही दिख रहा है। तो बस यही फायदा है मुझे, तो मैं तो इतने में भी बहुत खुश हूँ, अपना शौक पूरा हो रहा है और बजट के अंदर हो रहा है, क्या ही चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनवाई हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा, काफ़ी सारे ब्लाउज ऐसे हैं जो मैंने डिज़ाइनर टाइप के बनवाए हैं लेकिन मैचिंग सेंटर्स लेके या मिक्स एंड मैच की शॉप से लेके बनवाए हैं। तो अगर आप वो वैसा कुछ देखना चाहते हो, अगर आप साड़ी का ही ऐसा कुछ देखना चाहते हो, अगर आप सूट में ऐसा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच टाइप कुछ देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट का जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।